हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। मतलब लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आरसी को नहीं दिखाया था, उसका मतलब उसी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। तो मैं लेफ्ट साइड की ओर गिरा था, मतलब गाड़ी सीधे चल रही थी तो मैं ऐसे करके स्लिप हुआ था। तो लेफ्ट वाला पार्ट थोड़ा बहुत घिस गया है, पैनल हल्का सा। मेरे पास पहले से ही स्टॉक वाला वाइजर पड़ा हुआ था, फ्रंट वाला दिखाता हूँ। उसको अभी साफ करना पड़ेगा, सामने कर देता हूँ। घिस गया है ऑल टोटल, देखिए यहाँ से घिस गया था। ये देखें, ये पूरा देखिए मुड़ गया है। ये तो निकाल ही देखिए, टूट ही गया है। तो निकल गया, तो अभी रखते हैं इसको यहाँ। एक चीज़ में नोटिस कर रहा हूँ, हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंजीनियर राइट्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम बैक विद द वीडियो। ब्लॉग में आपको दिखाने वाला हूँ आरसी को, मतलब लास्ट वाले ब्लॉग में मैंने आरसी को नहीं दिखाया था, उसी से मेरा एक्सीडेंट हुआ था। और उसको कुछ ज़्यादा हुआ नहीं है, बस आगे वाला वाइजर टूट गया, जो कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ। कुछ पार्ट्स में चेंज करने पड़ेंगे जो मेरे पास पहले से पड़े हुए हैं, तो वो रिप्लेस करना पड़ेगा। क्योंकि जब एक्सीडेंट हुआ था तो मैं लेफ्ट साइड की ओर गिरा था, मतलब गाड़ी सीधे चल रही थी तो मैं ऐसे करके स्लिप हुआ था। तो लेफ्ट वाला पार्ट थोड़ा बहुत घिस गया है, पैनल हल्का सा। और जो आगे वाला वाइजर है वो पूरा टूट गया है, मतलब। और लेफ्ट वाली हैंडल रॉड जो है हल्की सी टेढ़ी हो गई है, वो भी आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास पहले से ही स्टॉक वाला वाइजर पड़ा हुआ था, फ्रंट वाला दिखाता हूँ। इसको अभी साफ़ करना पड़ेगा, तो इसको भी साफ़ करते हैं। इसको मैं वापस से लगाऊँगा। डबल बबल वाइजर वाला ख़रीदा था, उसकी जो फिटिंग है वो इतनी अच्छी नहीं थी, जो मतलब मैंने ले रखा है, जो मैं लगाऊँगा क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। तो इसका कोई अल्टरनेटिव देखेंगे, तब तक लिए हम इसको साफ ऑफ कर लेते हैं और इसी को इंस्टॉल करेंगे। ये रही अपनी ड्यूक और आरसी, मैक्स और जैजी खड़ी हैं दोनों। रखते हैं अपने। जब एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद मैंने सिर्फ इसको उस दिन स्टार्ट करी थी, यानी जब चल के आया था, और दो दिन पहले स्टार्ट करी थी क्योंकि मुझे चेक करना था क्या प्रॉब्लम है गाड़ी में। तो गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है दिखाता है, तो स्टार्ट करते हैं। न्यूट्रल, इसका ये भी फुटपैक भी हो गया है थोड़ा, इसको सही करना पड़ेगा ताकि इसको शोरूम तक भी ले जा सके। ऑन हो गई, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है बिल्कुल, मैकेनिकली और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ी बहुत दिक्कत हुई है। तो इसको पहले बाहर लेके जाते हैं। ये रही अपनी गाड़ी, इसको रखते हैं साइड में। पहले मैं दिखाता हूँ आपको क्या क्या ख़राब हुआ है। ये देखिए, यहाँ से पूरा क्रैक कर गया है, दिख रहा है आपको। इसको निकाल ही देते हैं तो खराबी हो गया है। ये देखिए क्रैक हो गया पूरा, तो इसको निकालना है। और ये देखिए, ये थोड़ा सा क्रैक हुआ था। और यहाँ पर देखिए पूरी घिसी दिख रही है, तो ये करा घिस गया है ऑल टोटल। तो यही सब हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ। हैंडल देखिए यहाँ से घिस गया था, और ये तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको मैं चेंज करवा दूँगा। ये देखें, ये पूरा देखिए मुड़ गया है, जिसका भी कुछ इलाज करते हैं। इसको पहले थोड़ा सही कर देंगे ताकि इसको शोरूम पर ले जा सके, फिर वहाँ चेंज करवाएँगे। तो ये सब मसला हो गया है। और बाकी गाड़ी में कोई टेक्निकलिटी, मतलब मैकेनिकली कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो निकालते हैं इसको। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करता हूँ मैं। कितने टाइम से खुला ही नहीं था, ये पूरा जंग खा चुका है। ये वाला तो पूरा फंस गया है, निकल ही नहीं रहा है, इसका देखते हैं अब इलाज करते हैं।
ये मैंने इसलिए लगा रखा था क्योंकि वो वाला वाइज़र अच्छे से फिट नहीं हो रहा था, लेकिन वो रबर को देखे रहिएगा, वो रबर खोनी नहीं चाहिए, फेंकना नहीं उसे। ये तो निकाल ही दें, देखिए टूट ही आए, तो चलो अच्छी बात है, निकालने में आसानी हुआ, चलो कुछ तो फायदा हुआ। तो ये जो देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे लग रहा है, ये यहाँ पे देखिए पेस्ट नहीं लगा है, क्योंकि इसको लगाने कोई तरीका ही नहीं था। तो ये सब जो प्रॉब्लम मैं बता रहा था इस वाले वाइज़र में, तो जिन्होंने भी ये मैन्युफैक्चर किया है भाई, उन लोगों ने ढंग से फिनिशिंग का ध्यान नहीं रखा है बहुत ज़्यादा, या तो फिर ये होगा जब मैंने ख़रीदा था बहुत पुराना मॉडल होगा, इनने चेंजेस अपग्रेड किए होंगे, लेकिन तो भी पहला मॉडल भी अगर ये लोग बना रहे हैं तो ढंग से बनाना चाहिए, ताकि जो बंदा इतने पैसे खर्च कर रहा है, ये अप्रॉक्स 2200 रुपये का था, कई लोगों को तो ये और महंगा मिलता है, तो पैसे वेस्ट ना हो किसी के। तो आप लोग जब भी ये लगाइएगा तो एक बार इंडिकेटर लगा के चेक कर लिएगा कि आपके इंडिकेटर काम कर रहे हैं कि नहीं। अभी हमने देखिए ये वाला पेस्ट निकाला और फिर देखिए पूरा फिट हो गया है, तो इसको आपको निकालना पड़ेगा तब ये फिट होगा, इसको निकालेंगे तो ये देखिए गैप आ जाएगा, फिर से पुश करेंगे तो लग जाएगा। अब सेम इधर भी ये करूँगा,
ये सेट हो गया, मेरे लगाते हैं फाइनली भैया, लगाना चालू करते हैं इसको। फाइनली पूरा काम हो गया और पूरा फिट देखिए अच्छे से कर दिया है। तो मैं इसका प्रोसीजर आपको बता देता हूँ इन शॉर्ट। जब निकालेंगे तो आपको इसको भी निकालना पड़ेगा जैसे मैंने बताया इसके वाले बोल्ट को, तब ये पूरे अच्छे से फिट होगा। अभी दो बोल्ट मिसिंग है, तो ये यहाँ से टाइट है, यहाँ से टाइट है, लेकिन यहाँ से देखिए लूज़ है, तो इसको लगवाना पड़ेगा। और अंदर से बाकी अच्छे से टाइट हो चुका है। तो अभी मैं एक राइड लेके आता हूँ और आपको दिखाता हूँ फिर। और बहुत टाइम बाद ये इसमें लगा है, तो फिर ये इसकी हाइट इतनी कम लग रही है पूछे मत। तो गियर वाला देखिए पूरा ख़राब है, तो इसको सही करवाना पड़ेगा। भाई आप देखिए यहाँ पे जब मैं बाइक चलाता था तो ये वाला एंगल देखिए बहुत वो डबल बबल, यहाँ उसकी हाइट ज़्यादा थी, तो आप देखिए कैमरा एंगल अच्छे से आ रहा है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ से पूरा गायब हो चुका है। वो अब पूरा देखिए कितना प्यार से आ रहा है, बहुत प्यार से आ रहा है भाई। व्यू अब तो बहुत अच्छे से दिख रहा है, जो क्लियरिटी है बहुत अच्छी दिख रही है। ओ भाई स्मूथ, और वाइब्रेशन भी अब थोड़ी कम हो गई है क्योंकि उसमें थोड़ा वाइब्रेशंस थे, और ये स्मूथली अब पूरा लग गया है। तो फाइनली पूरा काम हो गया, और अब इसका वाइज़र वाइज़र चेंज कराएंगे, पूरे नए ख़रीदूंगा मैं, तो इसका काम किसी और वीडियो में करेंगे। तो यही था गाइस इस व्लॉग में, आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगा हो। सारे प्रोसीजर मैंने आपको बता दिए कैसे चेंज करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड राइड सेफ।